2024 में आई बनना चाहते हो तैयारी स्टार्ट कर दी है लेकिन पहले यह तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है यह कैसे पता लगेगा भाई सबका तो चाचा मामा पापा आई एस तो होते नहीं है तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 जीरो करो आपको अप टू हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात रजिस्टर करते ही आपको दस हजार का माल दस हजार का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक वन टू वन सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं ये सब मिलेगा तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत हेलो एवरीवन uh, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा जोशी है मुझे uh, इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 19 प्राप्त हुआ है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था और इस वीडियो के थ्रू हम मेडिकल साइंस ऑप्शनल की स्ट्रेटजी uh, को समझेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल के रिगार्डिंग यही रहता है कि वाई डिड आई चूज़ मेडिकल एज ऑप्शनल तो इसमें यही था कि मेडिकल साइंस मेरा बैकग्राउंड था आई हैव डन फाइव इयर्स ऑफ एमबीबीएस एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये ऑप्शन लेने का डिसाइड किया दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल फॉर ऑल द डॉक्टर्स एंड मेडिकल जिन्होंने भी पाँच uh, साल एमबीबीएस किया है एंड द ऑप्शनल इज़ वेरी रिवॉर्डिंग इन दैट सेंस सेकेंड अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटी की बात करें कि मेडिकल साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया तो उसमें जो सोर्सेज थे वो मोस्टली बोथ फॉर पेपर वन एंड फॉर पेपर टू मैंने मेजोरिटी ऑफ सोर्सेज वही यूज़ करे जो अपने कॉलेज के डेज़ में यूज़ करे थे फॉर अ फ्यू टॉपिक्स क्योंकि मैंने एक कोर्स में यू पी मेडिको में एनरोल किया था तो उनके कुछ सोर्सेज को मैंने यूज़ किया फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेपर वन में बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में मैंने जो के नोट्स थे उसको रेफर किया उसके अलावा पेपर वन में जितने भी सोर्सेज हैं चाहे वो अनाटमी हो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री उन सभी में मैंने अपने जो कॉलेज की जो बुक्स थी उनको स्कैन करके उनका एक पी बना लिया था और उसके प्रिंटआउट्स निकाल के एक तरीके से उनको सेग्रीगेट कर लिया था और उसके बाद उस रिसोर्स को मैंने मल्टीपल रिविजन के फॉर्म में पेपर वन के लिए यूज़ किया अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में भी मोस्टली मैंने जो बुक्स कॉलेज के डेज़ में रेफ़र करी थी उन्हीं बुक्स को दोबारा से यूज़ किया है एक्सेप्ट वहाँ पे मैंने साइकैट्री एंड डर्माटोलोजी में यूपीएससी पी मेडिको का जो मटेरियल था उसको रेफ़र किया बिकॉज उसके कोई मुझे स्टैंडर्ड बुक या कोई सोर्स ऐसा नहीं मिल पा रहा था तो वो दो एरियाज़ थे जो मैंने वहाँ से रेफ़र किए Uh, दूसरी बात uh, एक कॉमन कंसेप्शन uh, रहता है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है या नहीं तो मैंने पर्सनली uh, कोई नोट्स नहीं बनाए थे एज सच फॉर दी ऑप्शनल जो भी मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन थी एज आई सेट कि वो फोटो लेके स्कैन कर लिया था और उसके बाद उसके प्रिंट आउट्स निकाल के एक सेपरेट uh, कलेक्शन uh, uh, उसका बना लिया था और वही टॉपिक्स जो यूपीएससी के सिलेबस से मैच करते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया था नोट uh, मेकिंग मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए डेफ़िनेटली करी है फॉर एग्जांपल फिज़ियोलॉजी में जैसे बेजल गैंग्लिया का एक टॉपिक है या फिर हिमेटोपोसिस uh, uh, का एक टॉपिक है तो उस तरीके के कुछ इशूज़ uh, जो और जगह पर या फिर ऐसा हो सकता है कि बुक में वो फोर टू फाइव पेजेस में दिए हैं तो उन टॉपिक्स के लिए एक मैंने नोट्स बना लिए थे uh, ताकि एक वन पेजर मेरे पास रेडी हो uh, जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं रिवाइज़ कर सकूँ दिस वॉज मोस्टली अबाउट कि जो मैंने सोर्सेज यूज़ करे अपने ऑप्शनल के लिए uh, तीसरा है कि uh... ऑप्शनल में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से मुझे लगे तो अगर मैं पेपर वन की स्पेसिफिकली बात करूं तो पेपर वन में अनाटमी का पोर्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग था एंड बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ पोर्शन मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे तो इन दोनों पोर्शंस के लिए अगेन स्ट्रैटेजी यही थी कि सिंस पेपर वन में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहता है तो मेरा फोकस था कि एक तो कि मैं सेक्शन बी को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ सेक्शन बी में आपके पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी फॉरेंसिक और माइक्रोबायोलॉजी रहता है तो आई वॉन्टेड टू मैक्सिमाइज माई स्कोर इन सेक्शन बी ताकि जो भी इशूज़ सेक्शन ए में है वो वहाँ से कॉम्पेंसेट हो सके एंड इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन अ सेंस दैट मुझे पेपर वन में वन थर्टी फोर स्कोर मिला है सो आई थिंक वो दैट वर्क इन माई फेवर कि जो सेक्शन बी में बैलेंस हुआ था वो ए के uh, उसको कॉम्पेंसेट किया इफ़ आई टॉक कि ए जो सेक्शन ए है अनाटमी फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री का जिसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज था तो उसको कैसे मैनेज किया तो उसमें अगेन रिसोर्सेज सेम रहेंगे जो आपने अपने कॉलेज में बुक्स रेफ़र की हैं फॉर एग्जांपल अनाटमी में मैंने बी डी चौरसिया की बुक को ही रेफ़र किया था एंड एम्ब्रियोलॉजी uh, के लिए आई बी सिंह रेफ़र करी थी तो उसमें जो भी टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते थे उनके मैंने एक बहुत ही क्विक हैंड रिटन नोट्स बनाए थे विच वॉजन एग्जैक्टली प्रॉपर नोट्स बट वो एक की पॉइंटर्स या की वर्ड्स जब मैं पढ़ती थी तो उस तरीके से उसको स्क्रिबल कर लेती थी ताकि वो पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो जाए सो दैट वॉज द काइंड ऑफ स्ट्रैटजी जो मैंने यूज़ किया Uh, उसके अलावा uh, जो पेपर टू है uh, मुझे ऐसा लगता था कि पेपर टू बिकॉज़ क्लिनिकली ओरिएंटेड है और मैक्सिमम uh, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन पेपर टू की तरफ होता है तो पेपर टू मुझे भी लगता था कि एट अ पर्सनल लेवल थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेजेस है uh, बट ऑल्दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माई पेपर टू स्कोर क्योंकि आई हैव गॉट अ स्कोर ऑफ वन थर्टी सेवन वहाँ पे बट आई थिंक प्रोबेबली इस साल कुछ uh, जो भी स्केलिंग का इशू है शायद उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर ही डाउन uh, है इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट बट पेपर टू के लिए जो मोस्टली स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था वो था कि एक तो अपने जो भी आपने कॉलेज में बुक्स रेफ़र किए हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप उन्हीं बुक्स को यूज़ करें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल के पीछे ना भागे पेपर टू के लिए भी बिकॉज अगर अगेन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस या उस तरीके की बुक्स को यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि एक्चुअली आपके एग्ज़ाम के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है तो यूपीएससी के सिलेबस को मैच करते हुए जो भी आपके कॉलेज में आपने बुक्स रेफ़र करी हैं उन्हीं बुक्स को यूज़ करें और उस सिलेबस को आप प्रिपेयर कर लें इधर यू कैन स्कैन इट एंड टेक प्रिंट प्रिंटआउट्स या फिर कुछ लोग पेजेस निकाल के उसको एक सेपरेट कलेक्ट करना पसंद करते हैं उस तरीके से वो रिविज़न करते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कर सकते हैं सेकेंडली पेपर टू में दूसरी चीज़ जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करी दैट वॉज आंसर राइटिंग सिंस मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल के लिए इतनी आंसर राइटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बहुत सारे कोचिंग्स भी नहीं हैं सो वॉट आई डिड वस ट्वेंटी फिफ्टीन से uh, लेके जो लास्ट आपका ट्वेंटी ट्वेंटी था वहाँ तक के मैंने सारे पेपर्स के आंसर्स uh, लिख लिए थे सो आई मेटेंड अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट और उस नोटबुक में फिफ्टीन से स्टार्ट करते हुए uh, सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे इसका uh, काफ़ी तरीके से हेल्प हुआ है इन अ सेंस कि एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है कि आपके नोट्स एक तरीके से रेडी हो रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे आप आंसर्स लिखते जाते हैं तो वो आप एक नोटबुक में उसको कलेक्ट कर रहे हैं थर्डली जितनी बार आप लिखते जाएंगे यू विल रियलाइज़ कि काफ़ी सारे थीम्स हैं और टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पीडियाट्रिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो टाइम टू टाइम रिपीट होते हैं फॉर एग्जांपल साइनोटिक हार्ट डिजीजेस से क्वेश्चन है या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टॉपिक से क्वेश्चन है तो उस तरीके के बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तो वो आप जितनी बार लिखते जाएंगे वो साइमल्टेनियसली आपको याद भी हो जाएगा एंड इफ़ नीडेड तो आप एग्ज़ाम uh, का जो बीच का दो घंटे का ब्रेक रहता है तो उसमें आप क्विकली उन सब्जेक्ट्स को या फिर उस नोटबुक को रिवाइज़ कर सकते हैं तो आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में फ़्रेश रहेंगे ऑल्सो uh, uh, एक और क्वेश्चन है कि uh, बहुत सारे आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो किस तरीके से हमारे आंसर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो आई थिंक उसमें मेनली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ऑप्शनल के लिए तो आपके जो नोट्स हैं uh, या फिर जो आप एक्चुअल आंसर लिखेंगे एग्जाम में uh, वो मोस्टली एक uh, पॉइंट फॉर्मेट में या फिर फ्लोचार्ट uh, के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों ही पेपर वन और पेपर टू वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं तो uh, उसमें अननेसेसरी पैराग्राफ्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है आप पॉइंट्स में अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल साइंस ऑप्शनल में ये है कि आपको डायग्राम्स uh, बनाने चाहिए अपने uh, जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं उसका इफ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टेक्सट लिखने की बजाय सिर्फ डायग्राम से भी अपने आंसर uh, को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगेन डायग्राम्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मेडिकल साइंस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कलर uh, पेंसिल्स या कलर्ड डायग्राम्स बनाएं तो जितना भी आपको टाइम परमिट करता है आप उस हिसाब से करें जस्ट इन केस अगर एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम क्रंच लगता है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कलर uh, पेंसिल से इतने अच्छे डायग्राम्स बना सकें तभी भी आई थिंक मेरा सजेशन यही होगा कि आप एटलीस्ट रफ डायग्राम्स तो बनाएं, बिकॉज वो एक तो आपके पेपर के ओवरऑल लुक को इन्हांस करता है और पेपर चेकर के लिए भी ईजी बनाता है कि वो आपके पेपर को आसानी से करेक्ट कर सके तो इसमें मेनली दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल या शेड्यूल मैंने किस तरीके का फॉलो किया एंड व्हेन डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल की प्रिपरेशन मैंने मोस्टली लार्ज पार्ट ऑफ इट मैंने ट्रिलिम से पहले करी थी स्पेशली फॉर पेपर टू बट पेपर वन के काफ़ी सारे पोर्शंस थे जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सेक्शन ए का जो पोर्शन था Uh, वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता था तो वो मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया था बट राइट आफ्टर ट्रिलिम्स जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से मैंने होल हार्टेडली ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था ऑल दो देर वॉज अ लैक ऑफ टाइम सो मैं सारे टेस्ट लिख नहीं पाई थी मैंने यू मेडिको का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो आई कुड राइट ओनली फोर टेस्ट बट वहाँ से जो भी मुझे फीडबैक मिला उसके थ्रू मैंने एनालाइज़ करने की कोशिश करी कि, कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर ऑल दी आंसर्स तो एक जनरल सजेशन मेडिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट वन टू टू पेपर्स इवन इफ आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं तभी भी आप एक से दो टेस्ट पेपर्स एटलीस्ट लिख के जाएं बिफोर गोइंग इन द एक्चुअल एग्जाम और जो आप टेस्ट पेपर्स लिखें वो इस तरीके के होने चाहिए कि आप जो पेजेस हैं बिकॉज एग्ज़ाम में आपको 50 टू uh, 50 टू 58 पेजेस का एक शीट मिलता है और कई सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं तो आप उसी तरीके का एक सिमिलर शीट यूज़ करें ताकि आप क्विकली uh, देख सकें कि, कि कितना जल्दी आपको पेजेस टर्न करने हैं कहाँ पर आउट करना है कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को चूज़ करना है तो ये सारी स्ट्रैटी uh, भी इम्पॉर्टेंट रहेगी और दूसरा बिकॉज़ पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आ, कि आप एक टाइम मैनेजमेंट अपना प्रैक्टिस करें बिफ़ोर गोइंग इन दी एक्चुअल एग्ज़ाम और जब आप एग्जाम हॉल में हैं तभी भी इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइम के साथ चल रहे हैं बिकॉज़ कई बार क्वेश्चंस छूटने का इशू बहुत मेजर रहता है एक और आ, नया कंसर्न जो मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए रिसेंटली आया है वो आ, कि लास्ट टू इयर्स में एटलीस्ट 2020 एंड 2021 में वी हैव सीन की अ फ्यू अनकन्वेंशनल क्वेश्चन या फिर जो पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक्स रिपीट होते थे उनको छोड़ के यू पी एस सी कुछ नए टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल दोज टॉपिक्स आर विद इन द पोव्यू ऑफ द सिलेबस लेकिन वो पहले उनपे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे कि इस बार पेपर uh, टू में एक क्वेश्चन कंपल्सरी सेक्शन में कोलिडोकल सिस्ट से रिलेटेड था या फिर पेपर uh, वन में एक कोरूनरी साइनस पर क्वेश्चन था तो uh, मेरा सजेशन इसमें अगेन यही होगा कि डोंट uh, थिंक कि बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत है uh, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर हैं तो थोड़ा सा काम माइंड से सोचें कि आपने उस टॉपिक के बारे में पहले क्या पढ़ा था और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको याद आती है uh, उस इन्फॉर्मेशन को अपनी आंसर कॉपी में लिखें डू नॉट लीव एनी आंसर बिकॉज काफ़ी लोगों का ऐसा सजेशन रहता है कि इफ़ यू डू नॉट नो देन यू शुड लीव इट बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ़ यू राइट समथिंग अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल जैसे uh, इस बार इंटरकोस्टल स्पेस पे एक क्वेश्चन था इन पेपर वन एंड मुझे अनाटमी उसका इतना क्लियर नहीं था बट स्टिल आई रोड सम पॉइंट्स अबाउट क्लिनिकल अनाटमी कि मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया था कि हम किस तरीके से uh, उसमें इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट उसका एक डायग्राम बना दिया था तो मुझे लगता है कि उस टेन मार्कर को आप छोड़ने की जगह अगर कुछ एक या दो पॉइंट और एक क्विक डायग्राम बना देंगे तो एटलीस्ट आप दो से तीन मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हैं तो इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी होगी जो आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं आ, अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो प्रोज़ तो काफ़ी सारे हैं आ, फर्स्ट कि आपने फाइव इयर्स ऑफ एमबीबीएस किया है तो एक अमाउंट ऑफ एफर्ट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है इस ऑप्शनल को पढ़ने में तो इसलिए वो आप एफ़र्ट अपना यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ यूपीएससी और जो भी आपका टाइम वहाँ से सेव होता है उस टाइम को आप अपने जनरल स्टडीज़ के प्रेपरेशन में लगा सकते हैं दूसरा आई थिंक विथ अ सिंसियर प्रेपरेशन ऑप्शनल मेडिकल साइंस जो है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है बिकॉज अगर आप सही डायरेक्शन में उसको पढ़ रहे हैं आंसर राइटिंग का एक एडिक्वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन द ऑप्शनल इन द पास्ट वी हैव सीन कि ऑलमोस्ट थ्री ट्वेंटी तक भी मार्क्स गए हैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल में तो बी वेरी क्लियर कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एक अच्छा टाइम टेबल उसके लिए बनाएं ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर यहाँ पर कि इसका कॉन्स जो है एक थोड़ा सा इशू ये रहता है स्पेशली बिटवीन ट्रिलिम्स एंड मेन्स जो मुझे चैलेंज था कि जितना टाइम आप ऑप्शनल के लिए डिवोट करते हैं बिकॉज़ uh, वो आप इन्फॉमेशन अपने जनरल स्टडीज़ पेपर में नहीं यूज़ कर पाते अनलाइक फॉर अदर ऑप्शनल्स तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगेन वही चीज़ है कि स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल की किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि जो आपको जीएस में स्ट्रॉन्ग एरियाज लगते हैं आप उनको थोड़ा सा कम पढ़ के कुछ टाइम ऑप्शनल के लिए डिवोट कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल में अगर कुछ एरियाज़ स्ट्रांग लगते हैं तो वहां से टाइम बचा आप जी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटजी बनाएंगे ऑप्शनल के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा

आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आल बी शेयरिंग अ फ्यू ऑफ माई नोट्स या फिर आंसर्स दैट आई रोट फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल सो आई विल रिक्वेस्ट दैम टू प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं एंड इफ देर आर फर्दर क्वेरीज विद रिगार्ड टू मेडिकल साइंस ऑप्शनल सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दैट चैनल रेस्ट आई थिंक आई वुड जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द मेडिकोज ऑल द वेरी बेस्ट फर द जर्नी इन यू पी एस सी And uh, uh, medical science is a good option and it is rewarding. So, I hope this video was uh, useful to all of you. Thank you.